हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं ईश्रम कार्ड को। ईश्रम कार्ड क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ईश्रम कार्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर सकते हैं उस कार्ड को दिखाकर। मतलब देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनमें मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरकारी सुविधा पाना चाहते हैं और उसमें आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बना लेते हैं और वो कार्ड दिखाते हैं तो आप कई सारे डॉक्यूमेंट से मुक्ति पा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका वही एक कार्ड आपके कई सारे डॉक्यूमेंट का काम कर देगा। सेकेंड ये कि मान लीजिए अगर आपको किसी वजह से किसी दुर्घटना में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब एज अ इंश्योरेंस मिलेंगे आपको 2 लाख रुपए। इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है। मतलब कि अगर आपके शरीर में कुछ चोट आती है, कुछ आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए, वो भी आपके अकाउंट में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी आपदा आती है, जैसे कोरोना वायरस अभी आया था, कोरोना की इतनी बुरी आपदा आई थी, उस आपदा में सरकार के पास एक भी आंकड़ा नहीं था कि हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे मतलब छोटे व्यापार करते हैं और काफी काफी कमजोर वर्ग से हैं, उनकी सहायता किस तरीके से की जाए, उनके पास सरकार के पास बिल्कुल भी आंकड़ा नहीं था। लेकिन इस कार्ड को बनाने की मदद से सरकार के पास आंकड़ा पहुंच रहा है कि हम कितने गरीब लोग हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिनका व्यापार काफी छोटा है। किसी आपदा की स्थिति में वो सरकार की तरफ से जो सुविधा ले सकें तो वो सुविधा डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचे। तो इसमें आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी रजिस्टर्ड होता है एंड जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी धनराशि आती है वो सीधे आपके खाते में जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके खाते में 1000 से 2000 रुपये आपके खाते में भी आते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आज हम इस वीडियो में इस कार्ड को बनाना सीखने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख के इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं कि आपको इस कार्ड की मदद से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है वो उस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आप सीखते हैं किस तरीके से हम इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको ई श्रम बनाने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई ब्राउजर ओपन मतलब कोई रिक्वायर्ड है कि हाँ जी ऐसा ब्राउजर ओपन करेंगे। इंटरनेट ओपन करने के बाद देखिए, आपको ऊपर एक वेबसाइट टाइप करनी है ई श्रम। इस तरीके से ई श्रम लिखने के बाद आपको एंटर करना है, यानी यहाँ से इसकी पहली वाली वेबसाइट ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वो डाल दीजिए जो रजिस्टर्ड हो आधार कार्ड पर। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से मैं डाल देता हूँ एक कैप्चा एंड यहाँ से देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप देखिए आपके पास ईपीएफ जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाता है, तो आपको यस करना है। और अगर आप ईएसआई पे करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप नहीं पे करते तो आपको नो ही रहने देना है। देन यहाँ से कर देना है सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करने के बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं वो ओटीपी ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको उस पर्सन का डालना है जिसका आप बना रहे हैं ई श्रम, उसका आप डाल दीजिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो होना चाहिए क्योंकि यूआईडीआई की मदद से होता है वेरीफाई। तो इस तरीके से देखिए आप कैप्चा डाली, देने यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कर देना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ से इसके जो पार्ट है वो ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जिनका भी आधार कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है, डिटेल पूरी यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कितने पार्ट में क्लियर हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 5 पार्ट में क्लियर होगा, मतलब 5 पार्ट्स में क्लियर होगा। तो फर्स्ट पार्ट पे दिखा रहा है कि आपका यही आधार कार्ड है, तो यहाँ से हमें कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यानी यहाँ से देखिए अब जो जिन पे स्टार लग रहा है वो मैंडेटरी है, आपको वो जरूर फिल करना है, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा है उन्हें फिल नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कह रहा है मैरिटल स्टेट है, तो मैरिटल स्टेट में ले लेते हैं यहाँ से मैरिड। उसके बाद यहाँ से फादर या हस्बैंड, तो यहाँ से हमने हस्बैंड नेम ले लिया। इस तरीके से यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल देंगे, तरीके से हमने डाल दिया। देन यहाँ से कह रहा है कैटेगरी, तो यहाँ से कैटेगरी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो दे दीजिए, अदरवाइज से नो रहने दीजिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको इसको नो रहने देना। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कह रहा है नॉमिनी नेम। तो अगर अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस सुविधा का लाभ आपके परिवार में कौन लेगा, तो आप नॉमिनी का नाम दे कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर थर्ड पार्ट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर ये क्या रहा है नेटिव, और यहां से देखिए उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है, यहां से इस तरीके से उत्तर प्रदेश ले लीजिए, देन यहां से ये क्या रहा है होम डिस्ट्रिक्ट, तो देन इसको लेने के बाद देखिए यहां से क्या रहा है स्टेट स्पेसिफिक आईडी, तो यहां पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद लेने के बाद देन यहां से क्या रहा है हाउस नंबर, तो जो भी एड्रेस आपको दिखाई देता है यहां पर, मतलब जो आपका एड्रेस आधार कार्ड पर लिखा हुआ एड्रेस यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां से स्टाइल करंट लोकेशन पे देखिए आपको यहाँ बता देना है कि स्टे करंट लोकेशन, क्या आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, तो लगभग 20-25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर लोकेशन ले लेंगे, मतलब यहाँ पर टाइमिंग ले लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ से नया पेज खुला है, अब एजुकेशन है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो भी एजुकेशन की गई आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 12th क्लास करिए तो यहाँ पर हम सेकेंडरी लेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करने का, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उनकी फोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, जिन पे स्टार लग रहा है केवल वही फिल कीजिएगा। देन यहाँ से उसके बाद कह रहा है मंथली इनकम, तो मंथली इनकम जो भी आपकी इनकम है वो आप ले लीजिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10,000 अबव ना। एंड अब यहाँ पर देखिए जो ये ऑटो सर्च है, अगर आप इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट भी देखिए, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ऑक्यूपेशन की लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि लेडीज के लिए किचन ज्यादा होता है, तो यहां से देखिए किचन हेल्पर के लिए हमें मिल गया, तो यहां से हम किचन हेल्पर इस तरीके से ले लेंगे। एंड जो भी आपका वर्क है लेबर है या फिर आप यहां पर सब ले सकते हैं, केवल आपको यहां सर्च करना है, या फिर आप टीचर भी हैं तो भी आप ले सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस जैसे मान लीजिए वर्किंग एक्सपीरियंस हम यहां से ले लेते हैं 5 ईयर्स। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए बाकी कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए यहां से हम इसे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू देखिए यहां से कह रहा है अकाउंट डिटेल्स, तो यहां पर आपको अपनी अकाउंट करेंगे, ये देखिए डिटेल कंफर्म करा है, आप इसमें लास्ट में भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपको इस पे एग्री पे क्लिक करना है, देन एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 से 6 सेकंड वेट करना है, और यहाँ पर देखिए फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको बता दूं इसमें अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी डिटेल है आप उसे बिल्कुल आराम से चेक कर लीजिएगा, देन तभी इसे सबमिट कीजिएगा। तो यहां से जो डिटेल है वो आपने जब चेक कर लें, तो देखिए यहां पर सबमिट का ऑप्शन है, अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो ईश्रम कार्ड है वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर रेडी हो जाएगा। देन रेडी होने के बाद अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहां पर देखिए अब आपको इसे कर देना है कंप्लीट रजिस्टर्ड, एंड यहां पर देखिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। गलती से अगर डाउनलोड ना हो पाए तो आपको इसी आईडी पे आके दोबारा से इसे लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके से आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और इसके बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं सरकार की तरफ से, तो इसे जल्दी से जल्दी बना लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आगे टफ हो जाएगा, शायद आपको इसके लिए पैसे भी देने पड़े, तो ये काफी काम का है। एंड थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।